देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊं, प्रशांत किशोर से ही शुरू करके आपकी बात पर आता हूं कि प्रशांत किशोर अभी बोला कोई कि अहमद पटेल की जगह चाहते थे, तो क्या प्रॉब्लम थी? अहमद पटेल, अगर हम कांग्रेस के अध्यक्षों का इतिहास उठाकर देखें, तो सोनिया गांधी के जो सलाहकार थे वो एक समय जितेंद्र प्रसाद थे, और वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे अध्यक्ष पद। कई बार हमने देखे इंदिरा गांधी के जो सचिव थे, जे एन मिश्रा थे सलाहकार, राजीव गांधी के अहमद पटेल, अंबिका सोनी। मैं एक बात जरूर बोलूंगा, मेरी कुछ बातें जो है इसलिए कांग्रेस को कभी दिखती हैं कि खाली अहमद पटेल नहीं थे मीनू जी, वो अंबिका सोनी भी इनकी सलाहकार रही है, सोनिया गांधी की। दो सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार। और अंबिका सोनी क्यों सलाहकार थी इनकी? क्योंकि अंबिका सोनी के पति इटली में राजदूत रहे हैं, और वो अपने पति के साथ जब इटली में रही हैं तो उन्होंने वहां से इटालियन लैंग्वेज सीखी। और जब सोनिया गांधी जी यहाँ आई थी तो हर आदमी को अपनी भाषा अच्छी लगती है, तो केवल इस वजह से कि वो इटालियन लैंग्वेज में बहुत सी बातें पर सोनिया गांधी को कम्युनिकेट करती थी, इस वजह से वो राजनीतिक सलाहकार के पद पर थी। तो राजनीतिक सलाहकार का पद इतना कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष जैसा नहीं है कि उसे कल आप हटा नहीं सकते। अगर प्रशांत किशोर ये मांगते थे तो उसमें उनको देने में कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं है। और अहमद पटेल ने बहुत सारे काम क्या कर दिए भाई, सलाहकार बन के, क्षमा करें। मैं तो जब था अहमद पटेल जीवित थे तब भी मैं कहता था कि जब से अहमद पटेल सलाहकार बने हैं तब से गुजरात में कांग्रेस का कहीं अता ही पता नहीं। तो अहमद पटेल ने बहुत सारी जो उपलब्धता उनकी रही होगी, फंड इकट्ठा करने की उनकी व्यवस्था थी कारपोरेट से, उसमें वो माहिर थे, और उसके लिए कांग्रेस को जरूरत भी थी, उसके लिए अहमद पटेल का आभारी होना चाहिए। लेकिन वो एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में ऐसा नहीं, मोतीलाल वोरा जैसे ही आदमी थे जो रात में 11 11 बजे तक 24 अकबर रोड में बैठते थे। और जो मीनू जी ने बताया, जो सबसे ज्यादा खल रहा है वो खल रहा है वो नेताओं के बच्चों को। अब जितिन प्रसाद के लड़के ही तो हैं जितिन प्रसाद, जो जो चला गया इतने, उसको केंद्र में मंत्री बनाया आपने, वो विदेशी बैंक में काम करता था, राहुल गांधी ने उसे बुलाया, महामंत्री बनाया, और उसके बाद केंद्र में मंत्री बनाया उसको, और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। आरपी सिंह के पिताजी सीपीएन सिंह, उनका बेटा था, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये सब उन्होंने, अगर प्रशांत किशोर ने ये कहा है तो उसमें 7 में से 2 साल हमारे आपके वजह से बढ़ाओ, 9 साल कम से कम इन्हें ट्रेनिंग दो, इनको एनएसयूआई में 4 5 साल काम करने दो, 4 5 साल युवक कांग्रेस में काम करने दो, 1 साल सेवा दल में काम करने दो, ऐसे उठा के उन्हें हमारा भाग्य विधाता बना देते हो। जितिन प्रसाद को क्या अकल, उसको आपने केंद्र में मंत्री बना दिया, हमारे बच्चों का भाग्य विधाता भारतवर्ष का बनाया। तो अगर प्रशांत किशोर ने ये बात कही है तो बहुत, और 5 एम्स की बात जो कही है मीनू जी धन्यवाद, आपने कुछ बातें बड़ी अच्छी बता दी। अभी रोहन गुप्ता हैं, वो पहले तो एक फिल्म हीरोइन थी जो सोशल मीडिया की अध्यक्ष थी कांग्रेस की। लेकिन मैं आपको सब बातें बता रहा हूँ जो जो प्रशांत किशोर ने इशारा किया है उसमें शामिल है। वो फिल्म की हीरोइन थी कर्नाटक की, वो सोशल मीडिया की हेड थी, तो वो हट गई, अब उसकी जगह रोहन गुप्ता बने, वो गुजरात के। अब रोहन गुप्ता को आप टीवी की डिबेट में अक्सर देखते होंगे, वो सोशल मीडिया में तो कुछ करते नहीं है, वो टीवी डिबेट में जाके अपना चेहरा दिखाने की जो है मेन स्ट्रीम चैनल में जुगत भिड़ाते रहते हैं, उनसे भी मेरी फोन पर बात होती है। तो कम से कम प्रशांत किशोर जैसा कोई हो, मैं कहता हूँ प्रशांत किशोर को पूरे जीवन कांग्रेस बना लो, मगर प्रशांत किशोर जैसे कुछ तो रखो जो आपको बोले है रोहन गुप्ता क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया का काम करो और स्टैंड अप कॉमेडियन। ये बात मैंने अबकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये बात राजीव निगम है, उनके कम से कम 2000 ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन जो उनके वीडियोज हैं जो नरेंद्र मोदी के भाजपा के खिलाफ है, व्यंग्यात्मक है, तो मैंने उत्तर प्रदेश में उनकी बात भी की थी, राजीव से भी बात कर ली थी, राजीव मेरे साथ जाने को भी तैयार थे, लेकिन बाद में वही संदीप सिंह ऐसे लोग हैं जिनको जिनको कुछ और सारी चीजें लगती हैं,
हालांकि मैं पर्सनल नहीं बात किया संदीप सिंह से, लेकिन मैं अगर करता तो खैर उनको मैं बात, लेकिन वो राजीव निगम तैयार थे लेकिन परिस्थितियां आगे नहीं बढ़ी। तो ये जो सबसे बड़ी चीज, अभी आपने जो प्रश्न किया तो उसमें G23 भी है। G20 प्रियंका गांधी ने बहुत कहा, इस बात का दुख होना चाहिए सारे कांग्रेसियों को। प्रियंका गांधी ने दुख से एक बात बोली कि मैंने तो G23 के सारे लोगों से कहा था यूपी में प्रचार करने आओ, कोई नहीं आया। और ये गुलाम नबी आजाद, ये बूढ़ा शेर है, ये क्या करेगा, अब तो सियार बन गया। अभी पांच पांच लोकसभा आती है जम्मू कश्मीर से, वहां का ये आदमी है और पूरे जिंदगी कांग्रेस का बाप बन के रहा। हमेशा राज्यसभा में जाता, हमेशा मलाई की जिक्र किया, अभी किसी ने, टंडन साहब ने या किसने, मलाई का सकोरा तो गुलाम नबी आजाद। अब ये संदीप दीक्षित क्या है, संदीप दीक्षित बेकरी वाला काम करता है आनंद में, मैं कई बार मिला, अपने नाना के चक्कर, दादा के चक्कर में, उमा शंकर दीक्षित, उनकी बहू शीला दीक्षित, उन्होंने काम किया 5 बार, 3 बार उन्हें जनता ने जिताया। संदीप दीक्षित ने क्या किया, भगाओ ना इस आदमी को, G20 निकालो, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को कांग्रेस से बाहर निकालो जो G23 के, वो नहीं, आपके मूल प्रश्न पर 2-4 लाइन और सदस्यता अभियान की बात कही, ये होना चाहिए। देखिए कितनी शर्म की बात है, ये जो ये आज आपने राजीव जी पूछा ना, ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अब वीरभद्र सिंह जिनकी बेटी की शादी थी, एक तरफ अगवानी हो रही थी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने ईडी और इनकम टैक्स का छापा डलवा दिया था, वो वीरभद्र सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो वीरभद्र सिंह जिनकी कांग्रेस की बड़ी हिमाचल प्रदेश में छवि है, उनका बेटा कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, क्यों शामिल हो गया, तुमको रोकना नहीं आता है, तुमको उनसे बात करनी नहीं आती है। मैं एक प्रशांत किशोर ऐसे आप 10 बनाइए ना, कम से कम आवाहन वाला एक एक आपके पास सेल होना चाहिए, कितने लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। मैंने एक बार प्रियंका गांधी को बोला था कि ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में मंत्री आए, उनके बच्चे आए और उनके बच्चे आके बैंक में नौकरी करने लगे, कैसे करने लगे, अब वो कांग्रेस में काम करना चाहते हैं कि मेरे पिताजी की पार्टी है, लेकिन उनको कोई बुलाने ही नहीं जा रहा है। आवाहन का एक काम तो करो। तो ये जो आगे के विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें देखिए परिस्थितियां जो चल रही हैं वो आपके सामने हैं, देश सांप्रदायिकता के आग में झुलस रहा है, लेकिन ऐसे में उद्धव ठाकरे ऐसे लोग, ऐसे में राहुल गांधी ऐसे लोग, इन लोग सामने आकर, अभी हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, मंडी लोकसभा भी जीती है, तो इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। पिछली बार भी कुछ कांग्रेस ने गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अब वहां पर भी एक बात का अंत में बोलता हूं कि अगर विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो कम से कम ईवीएम पर नजर रखनी चाहिए, ईवीएम प्री लोडेड है, कहाँ इंस्टॉल की जा रही है, कहाँ उठाकर बदली जा रही है, कहाँ कहाँ पर डीएम जो है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये जो दो दो तीन तीन चार चार हजार के जो खेल होते हैं, इनसे सारी विधानसभाएं हारती हैं और लोकसभा में भी ऐसे खेल 2019 से मैं तो इनकार नहीं करूंगा, मेरी बात से आप सब लोग मुझे पता है जरूर विरोध करेंगे, लेकिन मैं 2019 को भी मैं ईवीएम का खेल समझता हूँ, तो और बाकी बहुत सारे विधानसभाओं में वही खेल चल रहा है। खैर इसके बीच में कांग्रेस को प्रशांत किशोरों की जरूरत है, इस पर कल एक लेख लिखना चाहिए हमारे जैसे लोगों को कि आइए प्रशांत किशोरों और कांग्रेस को वो एक विकसित करिए, जहां जहां लैग कर रही है, जहां जहां कमजोरी हो रही है, जहां पर अब संदीप सिंह को एन सिवाय नहीं मालूम है, जेएनयू से निकल के आए और पूरी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस डूब, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी, बहुत अच्छे से देखनी होगी और प्रदेश के चुनाव करें, बाकी की ना हो इसमें राहुल और प्रियंका, प्रियंका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका वार रूम को संभाले, प्रियंका प्रियंका ही है जो, पर राहुल गांधी उस समय बोल सकते थे नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ लेंगे, कमलनाथ तुम क्यों ले रहे हो, उस समय बोल सकते थे अशोक गहलोत आप दिल्ली में रहिए ना मेरे सलाहकार,
आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की शपथ, लेकिन वो इतनी अच्छाई है, इनोसेंसी है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी मतलब वो ऐसी, प्रियंका गांधी थोड़ा सा पॉलिटिकल कनिंग है, वो चीजों को समझती हैं और वे ऐसे निर्णय में उनको प्रशांत किशोर जैसे निर्णयों की जगह उनको बैठा लें और देखें कि उनके जो इनर सर्किल ने इन लोगों को, प्रशांत किशोर को आने से रोका गया है। आप ये भी कभी शीर्षक चलाइए दो या तीन दिन बाद कि प्रशांत किशोर को आने से किन किन लोगों ने रोका, कौन से तत्व हैं कांग्रेस में जिनका नुकसान हो रहा था तो इनके आने से। जितेंद्र भंवर सिंह क्या कर सकते थे, अभी इस समय पवन बंसल हैं वो खजांची हैं, उनके असिस्टेंट हैं जितेंद्र भंवर सिंह। कांग्रेस का जितना फंड आता है वो पवन बंसल और जितेंद्र सिंह के। अब जितेंद्र सिंह को अपनी कुर्सी की वो है, मंत्री रह चुके हैं, हैं वो भी किसी राजनीतिक पिता के पुत्र हैं। ये सारे राजनीतिक पिता के पुत्र ही रहेंगे, तो बाकी लोग जो वहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश हिमाचल और सब जगह पर, उनको भी तो लाओ। चलिए, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा समय आप